हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच में होने वाला है आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप है यहाँ पर 9 T20 मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा विकेट कीपर में किसको पिक करना चाहिए, बैट्समैन में यहाँ पर कौन सा बैट्समैन अच्छा रहेगा और कौन सा बैट्समैन अच्छा फॉर्म है, ऑलराउंडर्स में यहाँ पर कितने ऑलराउंडर्स तक ले सकते हैं, और वो दो तीन ऑलराउंडर कौन है उनको टीम में आपको कंपलसरी रखना है, और गेंदबाजी में यहाँ पर कितने बॉलर्स तक ले सकते हैं, और यहाँ पर बेस्ट बॉलर कौन है, इकोनॉमी वाइज गेंदबाजी कौन कर रहे हैं, ये सारा जानकारी आपको बताऊंगा। उसके बाद दोनों टीम की जो लास्ट मैच की स्कोर कार्ड है जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जाने बिना अगर आप टीम बनाओगे तो आपको बहुत नुकसान होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कौन सा प्लेयर आपको मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, ओपनिंग पे कौन खेल रहा है, फेस्ट बॉलिंग कौन कर रहे हैं, डेथ ओवर्स पे बॉलिंग कौन कर रहा है, इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है, स्ट्राइक रेट कौन सा प्लेयर ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो दोस्तों, अभी तक इस सीजन में यहाँ पर 2 मैच खेले, इसमें एक मैच जीते, एक मैच हार के दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए में 3rd पोजिशन पे। वही नेदरलैंड्स टीम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर किसी को भी इतना उम्मीद नहीं था कि नेदरलैंड्स 2 मैच खेले, दोनों के दोनों मैच जीत गए भाई यहाँ पर। तो नेदरलैंड्स टीम आप कमजोर मत समझना, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका का क्या क्या हाल हुआ था पहला मैच में सभी को पता है, नामीबिया के हाथ में हारना पड़ा था। तो यहाँ पर श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम है मैं मानता हूँ, लेकिन जो टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर रही है उस टीम को आप कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि यहाँ पर नेदरलैंड्स भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो भाई यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा दोनों टीम के लास्ट मैच की स्कोर कार्ड तो जान लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताऊंगा, उनको आप टीम में जरूर रखिएगा। वो प्लेयर कौन कौन है आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला जो प्लेयर है यहाँ पर बिल रीडी, यहाँ पर बस दिल रेडी है दोस्तों यहाँ पर। अगर इनकी बात करें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं लास्ट 10 मैचेस की बात कर रहा हूँ। लास्ट 10 मैचेस में बात किया जाए तो 10 मैच में 333 रन के साथ साथ 15 विकेट इनके नाम पे। अगर इस सीजन में बात किया जाए तो 2 मैच में 30 रन और यहाँ पर इनके पास 2 विकेट भी हैं। तो यहाँ पर बस दिल रेडी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर मैं पिक करने जा रहा हूँ वनिंदु हसरंगा, इनकी लास्ट 2 मैच की स्कोर कार्ड बताऊंगा, लेकिन इनकी ओवरऑल अगर लास्ट 10 T20 मैच में देखा जाए तो 18 विकेट लें, 6.95 इनकी इकोनॉमी रेट रहा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन में मैक्स वो दाउद, अगर इनकी बात करें यहाँ पर नेदरलैंड्स टीम के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 10 मैच में 246 रन है और इनकी जो स्ट्राइक रेट रहा 118+ स्ट्राइक रेट मेंटेन किए। उसके बाद में एक और प्लेयर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, प्रथम निशंका, लास्ट 10 मैच में 286 रन बनाए और 113+ स्ट्राइक रेट ये मेंटेन किए। तो यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम आप 10 मैचेस की स्कोर कार्ड जान जाएंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट मैच की स्कोर कार्ड भी जब मैं शेयर करूंगा तो वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक गेंदबाज को लेके जा रहा हूँ, महेश दीक्षाना, एक एक्सेलेंट स्पिनर है यहाँ पर। लास्ट अगर देखा जाए तो 10 मैच में 11 विकेट इनके 11 विकेट मिले और 6.49 इकोनॉमी रेट मेंटेन किया। अगर T20 में अगर 6.7 पॉइंट अगर इकोनॉमी मेंटेन करते हैं तो एक अच्छा गिनती में आता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं विकेट कीपर पर कुशल मेंडिस की बात करें, यहाँ पर भले ही यहाँ पर 2 मैच में देखा जाए तो यहाँ पर 24 रन बनाए, तो बड़ा स्कोर इनसे नहीं बना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई यहाँ पर, इनको टीम में जरूर रखिएगा। तो उसके बाद मैं एक प्लेयर को पिक करने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर नेदरलैंड्स के लिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉलर है भाई यहाँ पर। अगर इनकी बात करें यहाँ पर 2 विकेट इनको ऑलरेडी सीजन में मिल चुके हैं और 23 रन बनाए 2 मैच में। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 7 प्लेयर में यहाँ पर पिक किया, अभी भी 4 प्लेयर बचा है, लेकिन ये 4 प्लेयर को पिक करने से पहले दोस्तों आपको दोनों टीम की लास्ट मैच की स्कोर का, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इकोनॉमी वाइज बॉलर, स्ट्राइक रेट, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, डेथ ओवर्स बॉलर कौन कर रहे हैं, ये सारा जानकारी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पिच की बात करें, ये पिच जो है दोस्तों बैलेंस्ड पिच है और यहाँ पर फेस बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर एवरेज स्कोर जो होगा 130 से 150 के बीच में रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर। अगर वेन्यू की बात करें, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कार्डेनिया पर गिलोंग ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं, 4 प्लेयर को पिक करेंगे, लेकिन आपको जो फाइनल टीम होगा आपको यहाँ पर मैं लाइव टीम बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल टीम होगा भाई यहाँ पर अगर एक भी प्लेयर लाइनअप में अनाउंस मिस होता है तो आपको टेलीग्राम पे ही फाइनल टीम हम लोग दे पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा दोस्तों, वो 2 तरीका क्या है। एक तरीका होगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, उसके साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे नाम पर यहाँ पर 2 से 3 यूजर्स ऑलरेडी फेक चैनल बनाए, तो फेक चैनल से बचने के लिए दोस्तों आपको मैं 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका, वहां जाकर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। जो दूसरा तरीका है भाई वो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको A to Z सारा अपडेट्स मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे यूजर्स की विनिंग देख सकते हैं, यहाँ पर कितने अमाउंट जीत रहे हैं, यहाँ पर A to Z सारा अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे पाऊंगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यूजर्स की विनिंग क्या है,
तो भाई यहाँ पर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर विनिंग टीम मिलेंगे और यहाँ पर ए टू जेड सारा अपडेट्स आपको यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यूजर्स ने ग्रैंड लीग में भी कमाल कर दिया दोस्तों। यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो स्पॉट्स एक बार देखिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। 14,000+ यहाँ पर यूजर्स ज्वाइन किए दोस्तों, 14,634, उसमें से मेरा टीम यहाँ पर 159th रैंक है। तो एक छोटा बात नहीं होता है, एक अच्छा अमाउंट है। तो वहाँ पर वो ब्लर करके रखा है दोस्तों। यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉट्स पे 685 पॉइंट्स मिले थे, 159th रैंक पे रहे इतना मेंबर्स में। तो भाई यहाँ पर अगर आप मेरे टीम के साथ अगर 1,000 स्पॉट्स और यहाँ पर 399 स्पॉट्स जैसे अगर आप ग्रैंड लीग टीम के लिए खेल लेते हो तो रैंक वन निश्चित है। और एक और बात है भाई, यहाँ पर हेड टू हेड और 3 स्पॉट्स की जो टीम है आपको मैं टेलीग्राम पर तो हमेशा के लिए दे रहा हूँ और हमेशा मैं जितवा भी रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने भी लॉसेस है बहुत सारे यूजर्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पर अपने के सारे लॉसेस कवर किए। तो यहाँ पर आपको मैं पहले हेड टू हेड 3 स्पॉट्स की टीम देते थे दोस्तों, यहाँ पर अब आपको ग्रैंड लीग का टीम दे रहा हूँ, एक ही टीम में देता हूँ, उसमें ग्रैंड लीग किस तरह आपको बनाना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग में कोई भी बंदा नहीं हरा सकता है। और जो मैं टीम देता हूँ भाई, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर ₹25 के साथ खेलते हो, 50 खेलते हो, जो भी खेलते हो, आपकी जो लॉस है ना भाई यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ये जो अमाउंट है आपको रिफंड आ जाएगा, इससे प्लस मनी कमाएंगे लेकिन नुकसान इस नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं टीम देता हूँ नुकसान आने नहीं दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। दूसरा तरीका यह है कि भाई आपको टेलीग्राम पर जाके इस प्रकार आपको सर्च करना है @शत्रुघ्न, इस प्रकार आपको टाइप करना है भाई यहाँ पर Shatrughan225। अगर इस प्रकार आप सर्च कर लेते हो तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1600 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कुछ यूजर्स हैं एक नहीं दो दो बंदे मेरे नाम पे फेक चैनल बनाए। इससे आपको बच के रहना, क्योंकि इससे आप जितना बच के रहेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ए टू जेड सारा अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले। तो भाई यहाँ पर हम लोग 7 प्लेयर्स को तो पिक कर चुके हैं, 4 प्लेयर को पिक करना। तो 4 प्लेयर को पहले लास्ट मैच की स्कोर कार्ड देख के यहाँ पर कन्फर्म कर लेते हैं। चलिए एक बार स्कोर कार्ड एक बार चेक कर लेते हैं दोनों टीम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीलंका ने जो लास्ट मैच खेला था वहाँ पर 20 ओवर में 152 रन बनाए थे, 153 की चेजिंग दिया था दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो यहाँ पर श्रीलंका ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यहाँ पर 79 रन से हरा दिया था। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इस टीम के ओपनर बैट्समैन प्रथम निशंका आते हैं, 74 रन बनाए थे। कुशल मेंडिस यहाँ पर 18 पे आउट हो गए। धनंजय दे सिल्वा वन डाउन पर बैटिंग कर रहे हैं, 33 रन बनाए थे 21 बॉल्स पे, इसमें 3 चौके 1 छक्के लगाए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बाउनिका राजपक्ष आपको लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के स्ट्रांग प्लेयर है। चरित असलंका की फॉर्म थोड़ा यहाँ पर गुजर रहे हैं, दर्शन अर्चन का यहाँ पर आपको बेस्ट ऑलराउंडर है। इंडिया टीम की अगर बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या से श्रीलंका की ओर से कंपेयर कर सकते हो। बनिंदो हसरंगा चमिका करुणा रहते जैसे कुछ प्लेयर्स है दोस्तों ने। यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन की बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट 3 प्लेयर्स खेले तो इसमें यहाँ पर प्रथम निशंका ने तो कमाल की बैटिंग कर दी। और यहाँ पर अगर गेंदबाजी में बात किया जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोद मधुसूदन ने दोस्तों यहाँ पर 3 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया। महेश दीक्षाना 3.1 मतलब लगभग 4 ओवर डाल के 15 रन देकर 2 विकेट ने। दशमन चमेरा ने 3 विकेट ने दोस्तों यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर। उसके बाद चमिका करुणा रहते हैं यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला। वनिंदु हसरंगा ने यहाँ पर 3 विकेट है और इस टीम का मेन प्लेयर भी है यहाँ पर दशमन चमेरा ने 1 विकेट लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर गेंदबाजी में बात किया जाए तो दशमन चमेरा और यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ये दोनों अच्छे की। महेश दीक्षाना यहाँ पर एक अच्छा बॉलर है। दशमन चमेरा तो यहाँ पर सोच सकते हो आप 1 से 2 ओवर इनसे उम्मीद की जाएगी, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो भाई एक टीम की तो स्कोर कार्ड देख रहे हैं, इसी प्रकार अगर नेदरलैंड्स की भी चेक कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लैरिफाई होते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो नेदरलैंड्स की बात करें यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ नामीबिया से जीत गया था 5 विकेट से। तो यहाँ पर नामीबिया ने 20 ओवर में 121 रन बनाए थे, 122 रन के यहाँ पर 3 बॉल रहते चेज कर लिया था। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो नेदरलैंड्स की बैटिंग में यहाँ पर मैक्स होता होते यहाँ पर ओपनिंग पे आते, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 35 रन बनाए, तो यहाँ पर एक मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर मिला दोस्तों, विक्रमजीत सिंह यहाँ पर बैट्समैन पे खेलते हैं, 39 रन बनाए थे 31 बॉल पर, एक अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। तो यहाँ पर इनको मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। बस्टी लेडी ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, 30 रन बनाए थे 30 बॉल पर। उसके बाद किसी भी प्लेयर का खास स्कोर तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो पहला 3 प्लेयर है इनको जरूर टीम पर रखिएगा। यहाँ पर मैक्स वो दौद और यहाँ पर बस्ती लेडी को ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि विक्रमजीत सिंह को आप यहाँ पर टीम में कंफर्म कर सकते हो। और वही यहाँ पर गेंदबाजी में बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रज्ञा क्लासन ने यहाँ पर 3 ओवर में 15 रन देके कोई विकेट नहीं मिला, 5 के इकोनॉमी गेन। टीम प्रेंगल ने यहाँ पर 1 विकेट लिया, तो यहाँ पर बस्टी लेडी को यहाँ पर 2 विकेट मिला और एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर भी है कोलिन एक्रीमन 1 विकेट लिए। पॉल बेन मिकेरन की बात करें 1 विकेट है दोस्तों, 4 ओवर में 18 रन कमाल की गेंदबाजी के। और यहाँ पर टिमी पेंटर गुप्टन की बात करें कोई विकेट नहीं मिला। यहाँ पर इकोनॉमी भी यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 10 के इकोनॉमी 9.7 मतलब 10 के इकोनॉमी के साथ लगभग गेंदबाजी के। और यहाँ पर रील ऑफ वेंडी मारवी की बात करें यहाँ पर 1 ओवर में 6 रन दिए 1 विकेट मिला। तो यहाँ पर अगर बेस्ट
बॉलिंग की बात करें, यहाँ पर बास्टी लेडी और यहाँ पर आपको पॉल वेन नेकरन ने दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम के स्कोर कार्ड सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर अब कुछ प्लेयर्स को पिक करना है। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स में आपको किसको लेना चाहिए आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फ्रेड क्लासन ने लास्ट मैच में अच्छे गेंदबाजी की, तो यहाँ पर आपको किसको लेंगे, तो यहाँ पर हमारी टीम एक स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, ये जानना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विकेट कीपर में आपको ऑलरेडी कुशल मेंडिस को कंफर्म कर चुके हैं। यहाँ पर आप ले सकते हो दोस्तों पौनिका राजपक्षा, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एक्सपीरियंस भी इनके पास है। और पौनिका राजपक्षा की बात करें, मैं लास्ट 10 मैचेस की बात करें, 246 रन इनके पास है और यहाँ पर 135 के स्ट्राइक रेट मेंटेन किए। लास्ट मैच में कमाल की परफॉर्मेंस तो नहीं निकला, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विक्रमजीत सिंह ने लास्ट मैच में यहाँ पर 125 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले दोस्तों, यहाँ पर तो इनको मैं कन्फर्म करने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर किस ऑलराउंडर को लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको मैं प्रेफर करूँगा दशवंत सनका को यहाँ पर, क्योंकि दशवंत सनका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दशवंत समीरा की बात करें, जो लास्ट मैच खेले थे वहाँ पर इनको जो विकेट्स मिले दोस्तों यहाँ पर पूरे देखा जाए तो इस सीजन में लास्ट मैच में 3 विकेट हैं, 2 मैच में पूरे 4 विकेट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अनअवेलेबल नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये लास्ट मैच इंजर्ड हो गए थे, तो ये खेलने की चांसेस बहुत कम है, तो इनको आप अवॉइड कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर को लेंगे गेंदबाजी में तो अच्छा रहेगा, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर श्रीलंका बॉलर के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पर ये मैच श्रीलंका की ज़्यादा फेवरेट नजर आ रहे हैं, तो श्रीलंका बॉलर को लेंगे तो फायदा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका के 7 प्लेयर को मैंने पिक कर लिया दोस्तों यहाँ पर। तो कैप्टन पर यहाँ पर वनिंदु हसरंगा, बास्टिंग लेडी को आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा, ये दोनों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे सही रहेगा। तो आप एक बार टीम अच्छे से देख लीजिए, एक विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर है। तो भाई ये जो टीम है ना पहले सेव करके रख लेना, जो फाइनल टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि अगर टीम सेव करके रख लेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ईजिली अपडेट हो जाएगा और वहाँ जाके एडिट कर सकते हो और टीम को जल्दी से ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको थोड़ा कम एंट्री का फीस वाला मिल जाएंगे। तो आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको कंपटीशन भी कम रहेगा, एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हो। लेकिन आप जीतने के लिए टेंशन मत लेना, जब तक मेरे टेलीग्राम चैनल है तब तक आपके सारे लॉसेस यहाँ पर कवर करते रहूँगा, आपको मैं जिताते रहूँगा दोस्तों। तो मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।